सिग्नल प्रोसेसिंग यूजिंग साइलैब पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में साइलैब का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल बनाएं और सिग्नल का तज्जिया करने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस करें। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu 11.04 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साइलैब वर्जन 5.3.3 इस्तेमाल कर रहा हूं। इस ट्यूटोरियल के अमल से पहले आपको साइलैब का बुनियादी इल्म होना चाहिए। साइलैब की बुनियादी बातें जानने के लिए साइलैब में स्पोकन ट्यूटोरियल की बुनियादी सतह की सीरीज मुलाहिजा करें जो हमारी वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं तीन बुनियादी सिग्नल्स के बारे में वजाहत करूंगा। कंटीन्यूअस यानी मुसलसल और डिस्क्रीट साइन वेव को प्लॉट करना, स्टेप फंक्शन प्लॉट करना, रैंप फंक्शन प्लॉट करना। चलिए शुरू करें। प्लॉटिंग कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट साइन वेव। साइलैब कंसोल विंडो खोलें। यहां टाइप करें t=0:0.1:2 × π·. इसके बाद x=sin(t). फिर प्लॉट 2d ब्रैकेट में t, x। अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। ये कंटीन्यूअस साइन वेव है। अब डिस्क्रीट साइन वेव पर बात करें। कंसोल विंडो पर टाइप करें प्लॉट 2d 3 ब्रैकेट्स में इनवर्टेड कॉमास में gnn, t, x और एंटर दबाएं। ये डिस्क्रीट साइन वेव है। अब स्टेप फंक्शन को प्लॉट करने और रैंप फंक्शन को प्लॉट करने पर बात करते हैं। मैंने पहले ही signals.sce फाइल में स्टेप और रैंप सिग्नल पैदा करने के लिए कोड लिखा है। साइलैब एडिटर का इस्तेमाल करते हुए signals.sce फाइल खोलें। इस कोड को एग्जीक्यूट करें। मेन्यू बार में बटन पर क्लिक करें। स्टेप और रैंप सिग्नल इस प्लॉट में जाहिर की जाती हैं। अब सिग्नल का तज्जिया करने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस को अंजाम देने का तरीका सीखें। आइए देखें कि दो सिग्नल्स के दरमियान कन्वोल्यूशन किस तरह किया जाता है। साइलैब कंसोल विंडो खोलें और टाइप करें x=(1, 2, 3, 4). फिर टाइप करें h=(1, 1, 1). ये टाइप करके कन्वोल्यूशन का इतलाक करें। कन्वोल ब्रैकेट खोलें x, h ब्रैकेट बंद करें और कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं। एक आउटपुट यहां देखा जा सकता है। अब हम इनबिल्ट कमांड DFT इस्तेमाल करके डिस्क्रीट सीक्वेंस यानी जुदागाना तरतीब के लिए डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में सीखते हैं। कंसोल विंडो पर टाइप करें x=(1, 2, 3, 4). इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप करें xf=DFT (x, −1), जहां x इनपुट वेक्टर है और DFT के लिए फ्लैग वैल्यू -1 है। एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का हिसाब किस तरह किया जाता है। ये वही इनबिल्ट कमांड DFT इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। साइलैब कंसोल विंडो पर टाइप करें (x=DFT)(xf, 1). यहां IDFT के लिए फ्लैग वैल्यू 1 है। ये आउटपुट है। अब FFT फंक्शन इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का हिसाब करते हैं। कंसोल विंडो पर टाइप करें x=(1, 2, 3, 4). एंटर दबाएं और टाइप करें y=FFT (x-1)
x, minus 1, एंटर दबाएं, एंटर दबाएं और आप आउटपुट देख सकते हैं। अब FFT फंक्शन इस्तेमाल करते हुए इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का हिसाब करना सीखते हैं। साइलैब कंसोल विंडो पर टाइप करें y equals to square brackets में 10, minus 2 plus 2 into percentage i, minus 2, minus 2, minus 2 into percentage i। एंटर दबाएं और टाइप करें x equals to FFT brackets में y, 1 और एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है। अब दो वेक्टरों के दरमियान कोरिलेशन मालूम करते हैं। साइलैब कंसोल विंडो पर ऐसा करने के लिए टाइप करें x equals to स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, 2, 3, 4 और एंटर दबाएं। टाइप करें x2 equals to स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 3, 1, 5 और एंटर दबाएं। टाइप करें r x 1 x 2 equals to cor ब्रैकेट में x 1 x 2 4 और एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है। अब सीखते हैं कि एक सिग्नल की सैंपलिंग कैसे करें। मैं sampling.sce खोलता हूँ, जहाँ मैंने पहले ही सैंपल कोड लिखा है। यहाँ execute बटन पर क्लिक करें। एक प्लॉट दिखाया जाता है। अब खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने step, sine और ramp सिग्नल प्लॉट करना सीखा। Linear convolution by convolve function अमलाना, DFT और IDFT by DFT function अमलाना, FFT by FFT function अमलाना, COR function इस्तेमाल करते हुए correlation मालूम करना, sampling करना। इस URL पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये spoken tutorial project का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी bandwidth दस्तियाब नहीं है, तो आप इसे download करके देख सकते हैं। Spoken Tutorial Project Team Spoken Tutorials इस्तेमाल करते हुए workshops मुनक्कद करती है और online इम्तहान पास करने वालों को असनाद देती है। हमसे राबता करें। Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project का हिस्सा है। ये ICT कौमी तालीमी मिशन भारतीय हुकूमत के जरिए हिमायत शुदा है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। आपका शुक्रिया।